नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। मैं हूँ श्रीकांत पांडे। सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत भारत भारी का चुनाव आने वाला है। यहाँ पे हर प्रत्याशी अपने आप को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और आप देख रहे हैं कि आम आदमी अपने पेट को, अपने घर परिवार को चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। आइए इसी क्रम में जानने का प्रयास करते हैं सभासद प्रत्याशी राम अवतार, जो है चाय की दुकान भी चलाते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप अपने वार्ड के लिए, अपने जो है नगर के लिए क्या करेंगे। हैं, अच्छा, तो ये राम अवतार जो चाय वाले हैं, प्रत्याशी हैं नगर पंचायत के सभासद, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? कितना ठीक है, कब से जानते हैं आप इनको? अच्छा, तो क्या ये चुनाव जीत जाएंगे? अच्छा, जनता के प्रति काफी लोग प्रभावित हैं। अच्छा, सामाजिक कार्य भी सुना है करते हैं बढ़िया से। अच्छा, गरीबों को बड़ा ध्यान रखते हैं। तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक चाय वाला सभासद क्यों नहीं बन सकता जी? और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ये राम अवतार चाय वाले को आप जानते हैं? अच्छा, सभासद ही लड़ेंगे, का जीत जाएंगे? कमवा बढ़िया किए हैं। अच्छा, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो आपके गांव का विकास बता रहे हैं लोग कि अगर राम अवतार जी जीत रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, तो आप लोग वोटवा करेंगे इनको? अच्छा, कब से जानते हैं इनको? बहुत दिन से। तो और कोई अच्छा काम गाँव के लिए इन्होंने किया है? अच्छा, नहीं, इसके पहले इन्होंने बहुत काम बता रहे हैं कि किए हैं। अच्छा, वोटवा करेंगे? वोटवा जी। राम अवतार चाय वाले के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत अच्छे शब्द है, धार्मिक विचार का आदमी है जी। तो कब से जानते हैं आप? बहुत दिन से, बचपना से जानते हैं। जहाँ पे प्रत्याशी लोग लालच दिखाते हैं, प्रलोभन दिखाते हैं, तो ये व्यक्ति समाज के लिए उत्तम रहेंगे? लालची टाइप का नहीं है, वो अपने पास से 1000-2000 खर्च कर लेते, समाज की सेवा करेंगे, विश्वास किया जाए। हाँ, धार्मिक काम में लाखों रुपया हर साल खर्च करता है जी। चाय की दुकान चलाते हैं? हाँ, चाय की। अच्छा, आप प्रभावित कब हुए? बहुत दिन से प्रभावित हुए हैं जी। आप बहुत दिन से प्रभावित हुए जी, तो क्या कहना चाहेंगे नगर पंचायत के? आप प्रत्याशी सभासद हैं, कुछ बताएं जनता के बारे में, क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो जनता को? जनता की सेवा करेंगे, पहले भी हम करते आए हैं जी। ये माता जी का जो है आप लगवाए जो है, हर कार्यक्रम किया है जी, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा जी, गणपति, ये सब हम करते हैं जी। हमने गांव को भी इस लाइन पे ला दिया जी, गांव को भी सुधार दिया जी, गांव में मांस मछली लोग खाते थे जी, सब छोड़ दिए जी, ये सब काम हम करते हैं जी। हम बहुत गरीब आदमी हैं जी, चाय की दुकान चलाते हैं, अगर हम जीते फिर भी यही चाय हम बेचेंगे और जनता की सेवा करते हैं। यानी कि आप पे अगर जनता विश्वास करती है तो उस पे आप खरा उतरेंगे? हाँ, पूर्ण विश्वास के साथ। हाँ, पूर्ण विश्वास। हाँ, जहाँ पे लोग दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, अन्य आदर प्रलोभन देते हैं लोगों को, तो खुद को यहाँ पे कहाँ पाते हैं? नहीं, हम तो दारू वारू नहीं बांट पाएंगे ना, पैसा बांट पाएंगे जी, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, जनता का प्यार मिले और आप करेंगे विकास जी। धन्यवाद जी। जी, तो आप ये बताएं नगर पंचायत के जो है प्रत्याशी राम अवतार जी हैं, तो क्या आप उनको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? वोट और सपोर्ट दोनों रहेगा जी। पहली बात, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने सुनने वाले आपके जो है सदस्य हैं या धार्मिक लोग हैं, उनको प्रणाम जी, नमस्ते, सलाम जी। हम अवतार भाई को बड़ी शालीनता से इनको जानते हैं, बहुत ही दिनों से जानते हैं जी, लगभग 2500 साल से जानते हैं जी, और ये बहुत ही भावुक इंसान है, उनके अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं है जी। ये
सम्मुख विकास के लिए, सम्मुख जनता के लिए काम करते हैं और किसी के दुख सुख में ये काम आते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपना हो पराया हो, सबको एक नज़र से देखते हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा? जनता का आशीर्वाद सबसे पहला मेरा आशीर्वाद जी। धन्यवाद।